वेलकम टू डी चैनल एवरीवन। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को छोला मसाला की रेसिपी, जो कि बनी है विदाउट ऑयल। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ये वीगन रेसिपी की सीरीज चल रही है, तो ऐसी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। और जो भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ चेक ज़रूर करिएगा। और आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया अराउंड 1 कप काबुली चना, छोला वाला जो चना होता है वो मैंने रात भर इसे सोक कर दिया था रात भर के लिए। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ चाय पत्ती का पानी। नॉर्मल मैंने आधा कप पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती को अच्छे से खौला के छान कर उसका पानी यूज़ किया। फिर मैं डाली उसमें कुछ खड़े मसाले, सॉल्ट टू टेस्ट और लगभग 1.5 कप पानी। उसके बाद मैंने 4 to 5 विसल से इसे उबाल दिया था। और इसके बाद देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ गया। तो चलिए अब बनाते हैं इसका मसाला। तो उसके लिए मैंने लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, एक पैन चढ़ाया, उसमें मैं डाल रही हूँ क्यूमिन सीड्स, हींग और ग्रीन चिली। जैसे ही थोड़ा सा क्यूमिन सीड पॉप अप होगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। और गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर लगे कि चिपक रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें इसमें। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे 8 से 10 सेकंड तक भूनूंगी। फिर इसमें ऐड करूँगी टोमेटो। टोमेटो ऐड करने के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर। और इन सब के साथ ही इसे मिक्स कर दूँगी। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, लाइक 2 to 3 टेबल स्पून पानी डालकर मैं इसे ढक कर और मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी अच्छे से कुक होने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन हटाया तो देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुका है प्याज टमाटर। अब मैं इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी। फिर मैं पैन चढ़ा रही हूँ, इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने हीट किया और उसके बाद मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ पेस्ट ऐड करूँगी और इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फिर मैं इसमें डाल दूँगी गर्म मसाला, कसूरी मेथी और इसके साथ ही इसे मिक्स करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी भुना हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम पे बस इसे थोड़ा अच्छे से मिलाना है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉयल किया हुआ चना। चाय पत्ती का पानी ऐड करने से छोले का कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो फिर ये खड़े मसाले जो मैंने डाला था इसमें जो डालेंगे उसे हटा सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और ये मैं ले रही हूँ पोटैटो मैसर, इससे मैं थोड़ा सा मैश कर दूँगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ये। और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने इसमें 1/2 कप ऐड कर दिया और मिक्स करके इसे ढककर छोड़ दूँगी कुक होने के लिए। वापस से मैंने ढक्कन हटाया तो देखिए बॉयल आ चुका है चने में और अच्छे से हो चुका है ये। तो बस इसे मिक्स कर दें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो गैस मैंने बंद कर दिया, अब चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए हमारा बिना ऑयल का छोला मसाला बनकर तैयार है। थोड़े से धनिया पत्ती के साथ इसे गार्निश करें और गर्मा गर्म चावल के साथ इंजॉय करें। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। घर में वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मैं मिलूंगी अपने नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।